माननीय सदस्यगण, संक्रमण काल में एक मजबूत सरकार होने का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा है। बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दरार पड़ गए हैं। इस कठिन दौर में मेरी सरकार ने भारत को विश्व मित्रों के रूप में स्थापित किया है। विश्व मित्र की भूमिका के कारण ही आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाए हैं। बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है। पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रम को दिल्ली के गलियारी तक ही सीमित रखा जाता था। मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया है। भारत ने G20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा, ऐसा पहले कभी नहीं था। देश भर में हुए कार्यक्रम के जरिए भारत के वास्तविक सामर्थ्यों से दुनिया का परिचय हुआ। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। पूरी दुनिया ने भारत में हुए ऐतिहासिक G20 सम्मेलन की प्रशंसा की। ऐसे बंटे हुए महलों में भी एकमत से दिल्ली घोषणा पत्र जारी होना ऐतिहासिक है। वुमेन लीड डेवलपमेंट से लेकर पर्यावरण के मुद्दों पर भारत का विजन दिल्ली घोषणा पत्र की नींव बना। हमारे प्रयासों से G20 में अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्यता को भी सराहा गया है। इसी सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण को की घोषणा हुई है। ये कॉरिडोर भारत के सामुद्रिक सामर्थ्यों को और सशक्त करेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च होना भी बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार के कदम वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका का विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौरे में भी भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। भारत की विदेश नीति का दायरा आज अतीत की विदेशों से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज भारत अनेक वैश्विक संगठनों का सम्मानित सदस्य है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया के एक प्रमुख आवाज है। भारत आज संकट में फंसी मानवता की मदद के लिए मजबूती से पहल करता है। दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत वहां तेजी से पहुंचने का प्रयास करता है। मेरी सरकार ने दुनिया भर के काम कर रहे भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। ऑपरेशनल गंगा, ऑपरेशनल कामेरी और वंदे भारत जैसे अभियान चलाकर जहां जहां संकट आया वहां से हर भारतीयों को हम तेजी से सुरक्षित वापस लेकर आए। मेरी सरकार ने योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की भारतीय परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 135 देशों की प्रतिनिधित्व ने एक साथ योग किया। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। मेरी सरकार ने आयुष पद्धतियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी
भारत में बन रहा है।